लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की कि यार इस पर मजीद डिस्कशन करते हैं। हमने कहा था कि जब कोई भी बॉडी ना सर्कुलर पाथ रोटेशन शो करती है तो उसे सम फिक्स पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करना पड़ता है। फर्स्ट ले लीजिए कि ये हमारा वो सर्कुलर पाथ है और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट हर बॉडी को ना सर्कुलर पाथ रोटेशन शो करनी पड़ती है। फर्स्ट ले लीजिए कि हमारे पास एक कार है जिसने इस पूरे के पूरे रेवोल्यूशन को एक वन रेवोल्यूशन को एक सेकेंड में ट्रेवल किया है। तो मुझे कहना चाहिए कि कार ने जो एक रेवोल्यूशन है वो एक सेकंड में ट्रैवल किया है। इस पूरे के पूरे एक चक्कर को उस कार ने एक सेकंड में ट्रैवल किया है। और अगर मैं रेवोल्यूशन को इन द फॉर्म ऑफ रेडियन लिखना चाहूँ तो मुझे लिखना चाहिए कि वन रेवोल्यूशन जो है वो टू पाई रेडियन के इक्वल है। तो वन रेवोल्यूशन की जगह टू पाई रेडियंस और सेकेंड ऐसे। तो मुझे कहना चाहिए कि कार ने जो है वो पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ जो कि टू पाई रेडियंस के इक्वल है उसे एक सेकेंड में ट्रेवल किया। रेडियन चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है तो मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा लिखना चाहिए और टाइम की जगह डेल्टा टी लिखना चाहिए। तो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी या ओमेगा बोलते हैं। इसी इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी यूँ फर्स्ट कर लिया जाए कि अगर एक पॉइंट या कार के बारे में ही बात कर ली जाती कि वो पॉइंट ए पर थी और कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट बी पर चली जाती है तो उसने कुछ डिस्टेंस एस ट्रेवल किया और सेंटर पर कोई ना कोई डेल्टा एंगल थीटा भी बनाया होगा। जिस तरह से वक्त गुजरता चला जाता है हमारा तय करदा फासला भी इसी रेशो से इंक्रीज करता चला जाता है और सेंटर पर बनने वाला एंगल भी इसी रेशो से जो है तब्दील होता जा रहा है जिसे हम लोग डेल्टा थीटा कह देते हैं। तो अगर मैं इस डेल्टा थीटा को उस टाइम इंटरवल डेल्टा टी से डिवाइड कर दूँ जिसके दौरान ये चेंजिंग हो रही है तो ये मुझे उस कार के लिए उस बॉडी के लिए एंगुलर स्पीड बता देंगी, एंगुलर वेलोसिटी बता देंगी कि वो कितनी तेज़ी से मूव कर रही है, कि एक कार है उसने कितनी तेज़ी से इस पूरे के पूरे चक्कर को कम्प्लीट किया है। हो सकता है कि कोई कार एक रेवोल्यूशन एक सेकेंड में ट्रेवल करे या कोई बॉडी एक ही टू रेवोल्यूशन को एक सेकंड में कर ले, सिमिलरली थ्री रेवोल्यूशन एक सेकंड में कर ले और फोर रेवोल्यूशन एक सेकंड में कर ले, यानी कि एक चक्कर एक सेकंड में, दो चक्कर एक सेकंड में। इसी तरह से हम लोग किसी भी चीज़ की एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं। इसकी बहुत सी एग्जाम्पल है। अगर हम लोग अपने यूनिवर्स की बात करें यानी कि अर्थ और सन की बात करना चाहें तो फर्स्ट कर लीजिए कि ये हमारा सन है जिसके अराउंड जो हमारी अर्थ है वो रोटेशन शो करती है। ये वो ऑर्बिट है जिसके अराउंड हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो रोटेशन शो करती है और ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यानी सन सन के मिड से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। चूंकि सन के अराउंड हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस आर मेजर कर लिया जाए जिसे हम रेडियस आर कहते हैं। फर्स्ट कर लीजिए कि जो हमारी अर्थ है ये पॉइंट ए पर है और हमारी अर्थ जो सन के अराउंड एक कंप्लीट रोटेशन एक वन रेवोल्यूशन करती है वो वन रेवोल्यूशन जो अर्थ की है फॉर अर्थ वन रेवोल्यूशन जो है वो 365 डेज के इक्वल होती है, यानी कि 365 दिनों में अर्थ एक चक्कर कंप्लीट करती है सन के अराउंड। अगर मैं ये कहूँ कि पॉइंट ए पर हमारी अर्थ जो थी पॉइंट ए पर है और इस वक्त तकरीबन कोई मार्च का महीना है और तकरीबन चार महीने कह देते हैं, फर्स्ट कर लीजिए कि तकरीबन चार महीने गुजरने के बाद यानी कि जून में हमारी अर्थ जो है वो यहाँ तक आ जाती है। अर्थ ने इतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल किया है ना सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पर सेंटर पर कोई ना कोई एंगल थीटा तो फॉर्म हुआ होगा। फर्स्ट कर लीजिए कि 30 डिग्री है और हमें मालूम है कि 30 डिग्री जो है वो 5/6 के इक्वल होता है अगर इसे हम लोग रेडियन के फॉर्म में लिखना चाहें। और अगर अब मैं इस अर्थ के लिए एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे इसे इस तरह से लिखना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर है डेल्टा थीटा जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उस टाइम के दौरान डेल्टा थीटा जो हमारा है वो 5/6 है और चार महीनों की बात हो रही है कि चार महीनों में अर्थ हमारी यहाँ से यहाँ तक गई है तो 4 × हर महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिनों में हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो जवाब आता है जो एंगुलर वेलोसिटी आती है अर्थ की वो तकरीबन 2.89 × 10⁻⁶
रेड पर सेकंड आती है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन होता है, लेकिन हम उसे रेड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम मून की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मून हमारे अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। इसी तरह मुख्तलिफ प्लैनेट्स की जो सन के अराउंड रोटेशन शो करते हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट की जा सकती है। इसी तरह से मुख्तलिफ रेसिंग कार्स की, जो इस तरह के रास्तों पर उनकी रेसिंग की जाती है जो कि सर्कुलर पाथ होते हैं, तो किसी भी कार की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट की जा सकती है कि कौन सी कार जल्दी से ट्रेवल करती है, कौन सी कार थोड़ी सी देर में ट्रेवल करती है। इसी तरह से अगर मुझे अब लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन को बताना हो, तो हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा के रिलेशन से हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था। अब अगर मुझे एंगुलर लीनियर एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो क्यों ना मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर देती हूँ उस टाइम इंटरवल के दौरान जिसमें मुझे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दूँ, तो देखते हैं जी हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है। ये एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, हमें मालूम है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो टाइम है, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, हमारे पास लीनियर वेलोसिटी वी आ जाता है। और आर के नीचे डेल्टा टी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, तो मैं टी वो थीटा के नीचे डेल्टा टी लिख सकती हूँ, और थीटा को मोर प्रिसाइज वे में मैं डेल्टा थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के लिहाज से तब्दील हो रहा है। तो डेल्टा थीटा, और इसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे ओमेगा लिखना चाहिए था। जी हाँ, ये ओमेगा है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो हमारी है वो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के इक्वल है। तो मुझे अब ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनता नज़र आ रहा है कि हमारी लीनियर वेलोसिटी बराबर आ जाती है आर रेडियस वैसे ही, और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की जगह ओमेगा। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनाता है कि लीनियर एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो हमारी लीनियर वेलोसिटी जो है वो प्रोडक्ट है हमारे रेडियस का, उस सर्कुलर पाथ के रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी का। अगर मैं एक सर्कुलर पाथ की बात करूँ, तो फर्स्ट कर लेते हैं कि ये वो हमारा सर्कुलर पाथ है जिस पर हमारी बॉडी रोटेशन शो कर रही है। तो हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर टेंजेंट टू द सर्कल ही रहेगी, इसलिए हम इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, और ये लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल रहती है। और जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रहती है, यानी कि ओमेगा हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। अगर तो हमारी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, यानी इस डायरेक्शन में, तो हमारा ओमेगा अपवर्ड होगा। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो डाउनवर्ड हो जाएगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर ही रहती है। अब अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन बतानी हो किसी रूल से, तो इसकी डायरेक्शन भी हम लोग ग्रास्प राइट हैंड रूल से बता सकते हैं। ग्रास्प राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि अगर कोई भी बॉडी ना सर्कुलर पाथ रोटेट कर रही है, तो अगर हम इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड में ग्रास्प कर लें, इनके अगर फर्स्ट कर लीजिए कि ये मेरा हैंड है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैंने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में ग्रास्प कर लिया है, और थंब को बिल्कुल इरेक्ट इस तरह से रखा है कि मेरे फिंगर और थंब के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तो ये थंब मेरी जो मेरा थंब है ये एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि ओमेगा है, अपवर्ड है सिचुएशन में। तो इस तरह से ग्रास्प राइट हैंड रूल से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग किसी भी चीज़ की उसकी एंगुलर इस तरीके से हम किसी भी चीज़ की एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं, खा वो कार है, फ्लाई व्हील है, अर्थ है, मून है, कोई भी प्लैनेट है जो हमारे सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, या मून है जो हमारी अर्थ के अराउंड रोटेशन शो कर रहा है, कोई भी बॉडी ना सर्कुलर पाथ, यहाँ तक के सैटेलाइट्स वगैरह हैं, वो कुछ स्पेसशिप हैं जो हमारी अर्थ के अराउंड रोटेशन शो करते हैं, तो हम उनकी एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग पेंडोलम की भी एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं। हम मुख्तलिफ बच्चों के खेलने वाले झूलों जैसे कि मेरी गो राउंड, और मुख्तलिफ एग्जाम के खिलौनों जैसे यो यो वगैरह, इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी आसानी से बता सकते हैं।